हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग वेल एंड कीपिंग सेफ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लैट 23 का कट ऑफ क्या होने वाला है। आपके स्कोर के हिसाब से जो भी आपने स्कोर आया है, बहुत अच्छा, एवरेज या बहुत कम, क्या मुझे अभी मिल सकता है या नहीं मिल सकता। सर, मेरे पास एक पर्टिकुलर रिजर्वेशन है, मेरा स्कोर है, क्या मुझे ये मिल सकता है नहीं, और बाई चांस मेरे स्कोर नहीं है, मेरा क्लैट खराब गया है, तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है। ये तीन चीजें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो। पहली चीज तो क्लैट बहुत सारे बच्चों को और मेजोरिटी बच्चों को बहुत सारा दुख देके गया है। बहुत अनसर्टेन रहे कुछ सेक्शन, बहुत अनसर्टेन रहे, टफ रहे, जिसके कारण बहुत सारे बच्चों का पेपर बिगड़ गया है। बहुत सारे बच्चे जिनको मैं जानता था, जब उनसे बात हुई, मैं लाइव भोपाल में था, लाइव भोपाल गया था जस्ट टू सी यू नो पेपर कैसा है, जस्ट टू टॉक टू पीपल यू नो आफ्टर द एग्जाम। बहुत सारे बच्चे वेन दे कम आउट, जैसे किसी को अनसर्टेन आया था, हमारे अटेम्प्ट कम हुए, जी के बहुत टफ था, मैथ्स बहुत ही मैशअप था। आई ट्राई टू अटेस्ट सम यू नो फ्रॉम वीडियोस हियर एंड स्क्रीन शॉट्स टू सी एंड ऑल। पहली चीज़ तो ये चीज़ें हुई क्लैट को, तो सेक्शन वाइज हम डिस्कस कर लेते हैं। उससे मेरे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात, मैं जब नई भोपाल पहुंचा, पूरे लाइव भोपाल में दुल्हन सा सजा रखा था सारी कोचिंग्स ने मिलके, ये पोस्टर ही हमारा रैंक की हमारा इतना सारा भर रखा था। पहली इंटरेस्टिंग बात, होपफुली आपने आप भी जिस सेंटर पे गए होंगे वहाँ भी ऐसे कुछ हुआ होगा। पहला, दूसरा, एनलाई भोपाल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एरिया है वहाँ पे, बट बहुत पूरे लोग एक ही जगह एरिया में बहुत सारे इकट्ठे थे। क्या ऐसा क्या है वहाँ सेंटर है या आई सी वेंट देयर एंड सी, वहाँ पे मंदिर था, तो जब कुछ काम नहीं आता भगवान काम आते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी एस्पिरेंट्स की उम्मीद के साथ कि भगवान हमें हेल्प करेगा, एंड हमेशा करते भी हैं। चल स्टार्ट करते हैं अब बिफोर यू स्टार्ट वीडियो, क्योंकि अब ना क्लैट हो चुका है, बहुत सारी चीजें डन है। अब यहाँ से आगे जो स्टार्ट होगी वो होगी काउंसलिंग। तो काउंसलिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है डॉक्यूमेंट्स, प्रोसेस क्या होती है, कैसा डॉक्यूमेंट चाहिए, किसका साइन चाहिए, कितनी फीस चाहिए, कौन सा कॉलेज जाना, किसकी क्या डेट है, वैकेंसी कब आ रही, इन सब के लिए हमने सेपरेट एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, क्लैट 23 काउंसलिंग ग्रुप। नीचे लिंक है, ज्वाइन कर लेना। बाय चांस अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट नहीं है क्लैट काउंसलिंग ग्रुप का, सब उसका पार्ट जरूर बन जाना, देयर विल बी हेल्पिंग यू। तो बाय चांस पार्ट नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप पे आप टेक्स्ट करो, आई सेंड द लिंक। क्योंकि उस ग्रुप में लास्ट कितने सारे बच्चे थे उन्हें वैकेंसी का पता ही नहीं चला, भैया ये कब आ गई, भैया मेरी तो 2500 टाइम थी, ये 4000 वाले को कैसे मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। बड़ी वैकेंसी में वो आपका वेट नहीं करेंगे, आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा तब, तो ऐसी कोई भी चीज़ आपसे ना छूटे, इसलिए हमने सीएमपी का काउंसलिंग एंड वैकेंसी ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पे, मुझे टेक्स्ट करेंगे, आई लेट यू। ठीक है, चल अब अगर हम पेपर की बात करें, लीगल का पेपर लेंदी था बट मॉडरेट था, इंग्लिश की बात करें मॉडरेट था बट ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग थे जिसके कारण बच्चों के नेगेटिव हुए। थर्ड सीआर का सेक्शन इजी था, काफ़ी सारे बच्चों ने बोला 30 लाए, कोई 28 भी लाए, 27 लाए, डुएबल था। मैथ्स की बात करें मॉडरेट था, 2 DI टफ थी, बच्चों को हवा भी नहीं लगी। जी के अनसर्टेन था, और इस बार थोड़ा सा चेंज था पैटर्न में, मतलब काइंड ऑफ जो क्वेश्चन वो पूछते हैं, जैसे हर बार क्या करते थे वो 5 क्वेश्चन का एक सेट, ऐसे 7 देते थे, 7 पैसे 7 टॉपिक पूछते थे। इस बार उन्होंने 5 पैसे दिए, मतलब 5 ब्रॉडर टॉपिक दिए, उनके अंदर से उन्होंने क्वेश्चन पूछे। ठीक है, बट एस ऑल आई ऑलवेज हर वीडियो में कहता हूँ, जीके का कुछ भी हो कहीं से भी आए, हमेशा दृष्टि आय से ही आती है। इस साल जो भी 5 के 5 टॉपिक थे, इवन द क्वेश्चंस वर एग्जैक्टली फ्रॉम द दृष्टि आय। एक लैम्डा वाला जो था, आई थिंक लैंग्वेज वाला जो आया था, AI वाला क्वेश्चन था गूगल का, दैट वॉज अवेलेबल ऑन, मैं अभी इस वीडियो से पहले इसको सर्च कर रहा था, दैट इज अवेलेबल ऑन दृष्टि आय की डेली मार्क PDF जो मैंने 15 जून 2022 को भेजी हुई थी ग्रुप पे। पहली चीज तो सारे के सारे टॉपिक दृष्टि आय से आए, पहली बात। जो भी अगर 24 की आप तैयारी करने का सोच रहे हो, और 24 में जो भी अगर कोई फ्रेश है इसको देख रहा है, दृष्टि आय से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, और दृष्टि आय शुरू करके जाना। एंड देन सेकेंड थिंग, CMP की जो MITs होती हैं वो दृष्टि आय से बनती हैं, दृष्टि आय से डेली PDF में लॉट ऑफ PDF हम रेफर करते हैं उससे बनती है। विद गॉड ग्रेस हर साल की तरह, जैसे लास्ट ईयर 7 में से 5 टॉपिक CMP के MIT में से एग्जैक्ट आए हुए थे, वैसे ही इस बार भी एग्जैक्ट 5 टॉपिक थे, 4 out of 5 टॉपिक एग्जैक्ट CMP के MIT से आए थे। CMP के जो बच्चे थे, जो एनरोल बच्चे थे पेड बैचेस में, उनको हमने प्रोवाइड किया था, एंड 300-400 जो टॉपिक दिए थे उसमें से ही टॉपिक थे। पहला जो नहीं था वो था लैम्डा वाला, हमें आई मिस्ड इट, आई कुडंट आई डेंट मेंशन इट, बट हमें दृष्टि जो हम डेली PDF भेजते हैं ना, इसलिए 24 वाले जो बच्चे हैं, इफ आर वॉचिंग दिस, अगर आप 24 क्लैट लिखेंगे भी, प्लीज ड्रॉप अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप। आज को आपको आज ही मैं व्हाट्सएप के सेपरेट ग्रुप में ऐड कर दूँ 24 वालों के लिए बना है, वहाँ डेली 8 o'clock मांग न्यूज पेपर,
मार्गदर्शिकाएं आ जाएंगे, डेली मार्गदर्शिकाएं करते जाना, एग्जाम दे, 25-26 मार्क्स लाना जीके में, कोई बड़ी बात नहीं होगी ऐसे टफ पेपर में भी। और सी एम पी एम आई टी की अगर बात करें तो 5 टॉपिक में से पहला टॉपिक जो था वो था फीफा वाला, दूसरा टॉपिक था रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड टॉपिक वॉज रिलेटेड टू हंगर इंडेक्स एंड एग्रीकल्चर वाला जो था, फोर्थ वॉज रिलेटेड टू फीफा वाला हो गया, वाइस प्रेसिडेंट वाला हो गया, थर्ड वॉज एफ टी एक्स एंड फोर्थ वॉज एफ टी एक्स बिटकॉइन वाला, हमने प्रॉपरली मैंशन कर रखा था। और एफ टी एक्स वाला तो जेस्ट एस में डबल टिक करके भेजा हुआ था हमने, जो अभी जितना मेमर वाली आई थी। तो फोर ऑर्डर टॉपिक फॉर फ्रॉम सी एम पी एम आई टी, सो दैट्स व्हाई आगे अगर आप प्रिपरेशन करेंगे यू कैन रिफर टू सी एम पी एम आई टी बाई एनरोलिंग इन द बैच। भाई अब ओवरऑल अगर पेपर की बात करें, मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ज़्यादा आसान नहीं था, मॉडरेट था, बट कुछ सेक्शन जी के में हमारी ऊपर डिपेंडेंसी होती है, मैथ्स को हम कभी छूते ही नहीं है, इसके कारण हम सफर किए। चलो आइडियल अटेम्प्ट इतना कितना होता इस पर्टिकुलर पेपर में, आइडियल अटेम्प्ट होता 110 से 130 के बीच में। चलो ये हुई पेपर वाली बात, इसको बदला नहीं जा सकता, क्या चीज़ें हम डिसाइड कर सकते हैं उनके आप काम करते हैं। चलो पहली चीज़ है, अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, पहले तो एन सी बैंगलोर का कट ऑफ कितना है, फिर टॉप 3 का कट ऑफ कितना है, फिर टीयर 1 का कितना है, टीयर 2 का कितना है, टीयर 3 का कितना है। एन सी बैंगलोर का जो कट ऑफ वुड बी इस साल दैट इज 96.5, पिछले साल 103 था, इस बार 96 का कट ऑफ होगा। क्यों होगा? सीट्स बड़े हैं, पेपर टफ था, जी के अनसर्टेन आया था, मैथ्स अनसर्टेन आया था, इंग्लिश में नेगेटिव बहुत ज़्यादा हुए हैं, बच्चों के अटेंप्ट नहीं हो पाए, इसलिए कट ऑफ 6 से 7 मार्क्स तक कम आ सकता है। 96.5 वुड बी अ कट ऑफ फॉर से बैंगलोर, +1 -1 लेके चल सकते हैं। पहली चीज़ टॉप 3 की बात करें, एन सी बैंगलोर, एनजीएस कोलकाता, नाल से एनजीएस कोलकाता, तो टॉप 3 का कट ऑफ होने वाला है 92+ का। तीसरा अगर हम बात करें टॉप 6 एनएलएस नाल से एनजीएस कोलकाता के बाद एनएलयू जोधपुर, जीएनएलयू एनएलयू भोपाल, इनका कट ऑफ कितना होने वाला है टॉप 6 की अगर हम बात करते हैं, टॉप 6 अगर हम कट ऑफ की बात करें तो अराउंड 87.5 मार्क्स वुड बी कट ऑफ। लास्ट ईयर 93 था, लास्ट ईयर जो रैंक थी टॉप 6 में जाने के लिए वो रैंक थी 450-460, इस साल वो 510 तक जाएगी। क्यों जाएगी? बिकॉज एलएसयू में सीट्स पड़ी है, तो कट ऑफ भी शूट करेगा, 87.5 से ऊपर स्कोर है, आप टीयर 1 के कॉलेज जा रहे हैं, बधाई हो आपको। पहली बात टीयर 2 की अगर हम बात करते हैं, टीयर 2 में टॉप 11 कॉलेज हैं, टॉप 11 कॉलेज एचएनएलयू, मतलब टॉप 6 के बाद एचएनएलयू, आमनेलयू एंड उड़ीसा, पटियाला और मुंबई। ये मुंबई का ऑब्वियसली ऊपर रखे होंगे बच्चों में ऊपर जाएगा, बट ओवरऑल टीयर 2 का जो कट ऑफ होगा 77 मार्क्स से अगर ऊपर है आपको टीयर 2 मिल सकता है। लास्ट ईयर ये 82 पे था, तो 5 मार्क्स यहाँ भी नीचे आएंगे, अब आज का और नीचे। टीयर 3 की अगर हम बात करते हैं, टीयर 3 जो कि बाकी बची हुई एनएलयू, कोई भी एनएलयू मिल जाए भैया, उसके लिए आपको कम से कम 67.5 का मार्क्स चाहिए पड़ेगा क्लैट में, तब जाके आपका मार्क्स आ पाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चल अब भैया ये तो आपने बता दिया ये, और ये जो कट ऑफ है ये क्या होगा, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4, लिस्ट 5, लिस्ट 5 तक ही कट ऑफ टच कर जाएगा। क्लियर है? नाउ वैकेंसी की अगर बात करें तो क्लैट की काउंसलिंग और एडमिशन 50 पे खत्म नहीं होते, वहां के बाद वैकेंसीज आती हैं। जीएनएलयू की 5 वैकेंसीज आई थी, तो वैकेंसी में लास्ट कॉलेज जो होगा वो आपको मिल जाएगा 64 मार्क्स पे, 4000 रैंक, इवन 62, 61, 60 तक भी आ सकता है, ट्रस्ट नहीं आ सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर क्या था 4000 रैंक पे 64 मार्क्स थे, 4-5 मार्क्स नीचे जाएगा। और वैकेंसीज में जाता है आपका औरंगाबाद ले लीजिए, आप औरंगाबाद शिमला ले लीजिए, इन सब की वैकेंसी में जाता है। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो क्या चीज़ हमें हेल्प कर सकती है, क्या जो चीज़ हमें देखनी चाहिए, देखो अब मैं थोड़ा डिटेल वाला पर्सन हूँ। अब एक चीज़ मैं जो आप कहना चाहता हूँ, ड्रॉप अ टेक्स्ट, यहाँ पे वीडियो अब मैं आगे बताने वाला हूँ कैटेगरी वाइज कट ऑफ, EWS, OBC, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, PWD और एनी स्पॉन्सर। तो आई रिक्वेस्ट यू पॉज दिस वीडियो है, आपका जो भी स्कोर है अच्छा है बुरा है जो है आपका ही, ड्रॉप दिस स्कोर ऑन माई व्हाट्सएप, आई चेक एंड लेट यू नो कि कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, कौन सा नहीं मिल सकता, और नहीं है तो कौन से ऑप्शन बचे हुए हैं, आई टेल यू। तो जस्ट पॉज दिस वीडियो, आई एम वेटिंग, मेरा नंबर शो हो रहा होगा ना, 8458892, 8458892, उस पर अपने स्कोर को ड्रॉप करिए, आई नीड टू सी कि कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, और गलतियां तो नहीं कर रहेगा, ठीक है? चलो समझ गया, चलो इसके आगे चलते हैं। अब सेक्शन वाइज कट ऑफ पे आते हैं, सेक्शन वाइज कट ऑफ अगर हम देखें तो EWS कैटेगरी की अगर हम देखें तो EWS कैटेगरी टीयर 1 आपको 78 मार्क्स में मिल जाएगा 1000 रैंक तक। OBC कैटेगरी वाले बच्चों को जो GNLU है वो 73 मार्क्स तक मिल जाएगा। SC कैटेगरी वाले बच्चों को 46-47 मार्क्स तक
जी एनवायरमेंट जाएगा। एसटी कैटेगरी वालों को 40 मार्क्स तक, पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को 37 मार्क्स तक, और एनएस स्पॉन्सर्ड अगर आप हो तो 70 मार्क्स। तो ये हमने टीयर वन के कट ऑफ बता दिए। टीयर टू पे आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को कोई मेंशन नहीं है टॉप, तो लाइक आज भी पटियाला बस में अलग से लास्ट ईयर हुए थे, अभी तो कुछ मेंशन नहीं था, तो आई हैव नॉट इंक्लूडेड। ओबीसी का कट ऑफ 72 मार्क्स आएगा, और टीयर टू में बस एचएनएलयू है जो ऑल इंडिया ओबीसी लेता है, बाकी तो अपने स्टेट ओबीसी को देते हैं, तो एचएनएलयू में 72 तक जा सकते हैं ओबीसी कैटेगरी से कट ऑफ। एससी कैटेगरी 41 मार्क्स, एसटी कैटेगरी 35 मार्क्स, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी 21 मार्क्स टीयर टू के लिए, मतलब इंडोनेशिया के लिए, और 48 मार्क्स और 50 मार्क्स लगभग होगा जो उन्होंने एनए स्पॉन्सर्ड यूज किया है, एनए स्पॉन्सर्ड कैटेगरी मार्क किया है। आते हैं टीयर थ्री पे, टीयर थ्री का ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ जाने वाला है वो 66 मार्क्स जाने वाला है, ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ होगा वो 61 मार्क्स आएगा, एससी कैटेगरी का कट ऑफ 40 मार्क्स आएगा, एसटी कैटेगरी का मार्क्स 28 मार्क्स आएगा, और पीडब्ल्यूडी तो 17 मार्क्स पे भी आपको मेरे ख्याल से 45,000 रैंक पे भी आपको एक नॉर्मल यानी लास्ट का मिल जाएगा, और एनआई स्पॉन्सर्ड में 30-35 मार्क्स तक भी जा सकते हैं नीचे के लिए। यहाँ तक क्लियर है? तो ये हमारे सेक्शन सॉरी कैटेगरी वाइज कट ऑफ्स हो गए। अब भैया क्लैट के बेसिस पे निर्मा भी एडमिशन लेता है, हाँ निर्मा का कट ऑफ कितना जा सकता है, लास्ट ईयर निर्मा का जो कट ऑफ था वो 51 मार्क्स गया था, 68,000 तक गया था। इस बार अगर आपका स्कोर 46-47 से ऊपर है, आपको 100% निर्मा मिलने वाला है। अब निर्मा किन को भरना चाहिए? निर्मा उन सभी बच्चों को भरना चाहिए जिनका क्लैट में अगर हम रैंक देखेंगे, रैंक के बाद भर देना, और अभी तो फॉर्म जा चुके हैं, दोबारा ओपन होंगे, विल मेक श्योर कि दोबारा ओपन हो, विल मेल दैट। अब निर्मा के जो अगर हम देखें मार्क्स, अगर देखें उसके हिसाब से मेरे ख्याल से 1100, मैं कहूँगा 1300, मान लो 1300 रैंक जैसा क्लैट में है, उससे पहले वालों को भरने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली निर्मा से बेटर कॉलेज मिलेगा, टीयर वन टीयर टू मिलेगा, और टीयर थ्री में भी निर्मा को टीयर थ्री के बराबर रखते हैं, बट वो डीएसएमयू से बेटर नहीं है, वो सीएनयू पटना से बेटर नहीं है, सिलवासा से ऊपर मत चले आना निर्मा, डीएसएमयू नुआस कोची से ऊपर मत है, टीएनएलयू से बेटर नहीं है निर्मा, तो चार पांच कॉलेज उसके बाद जो नए हैं उनसे बेटर है निर्मा। तो जिन बच्चों की रैंक 1300 से, 1300 को अगर मैं डिकोड करूँ मार्क्स में, तो 75 मार्क्स नीचे होंगे टिल 45, तो 75 मार्क्स से लेकर 45 मार्क्स ये रेंज है जिन सबको निर्मा मिल सकता है, और आप सबको निर्मा का फॉर्म भरना चाहिए। रैंक वाइज अगर हम देखें तो 1300 रैंक से लेके 8000 रैंक तक बच्चों को निर्मा भरना चाहिए। चलो अब सेकेंड एन आई स्पॉन्सर वाला चाहिए मैंने आपको बता दिया है। अब भैया क्लैट मेरा खराब गया है, क्या ऑप्शन है मेरे पास, क्या कुछ बचा है मेरे पास करने के लिए दुख के अलावा? हाँ बचा हुआ है, हाँ एक और चीज़ है, पता नहीं मेरे कोई मतलब व्हेन यू आर आई थिंक आप जब सेंटर से बाहर आ रहे होंगे ना, यू फील दिस बाहुबली वाला फील, एवरीबडी इज गिविंग यू दैट पर्चा पर्चा पर्चा, ये लो। सो मेरे ड्राइवर भैया ही वाज जस्ट थिंकिंग, देख रहे थे हाँ कि क्या हो रहा है, उनको पकड़ा दे, नहीं नहीं आपके बच्चे का एडमिशन आप कराओगे, बोलते नहीं नहीं उनको इतने सॉरी, उनके पास बैनर हो गए थे, आप सबके पेरेंट्स के पास होंगे, मेरी गाड़ी पे ना उन्होंने बारिश ही कर दी थी कि ये कॉलेज, और एक ने मुझे पकड़ लिया, मैं ना बाहर निकला और ना वहाँ थोड़ी गर्मी थी, तो मैं ऐसे थोड़ा सा यू नो मतलब कि दुखी है, मैं बाहर साइड में खड़ा हुआ था, मैं वेट कर रहा था कि यार बच्चे आएंगे एंड टॉक टू देम, उस बच्चे मतलब जो भी काउंसलर था उसको लगा कि ये बंदा बहुत दुखी है और चेहरे की दुख से लग रहा है कि इसका खराब गया पेपर, उसने आगे मुझे पकड़ लिया, बोलते हैं कोई बात नहीं होते हैं सबके खराब होते हैं, मुझे मैं बोल ही नहीं रहा ठीक है, नहीं नहीं होता है कब, मेरा भी खराब ही सर, मेरा भी खराब होता, मैंने भी दिया था 2010 में, मेरा भी खराब होता, कोई बात नहीं, क्लैट खराब हो गया, यहाँ पे जीवन खत्म नहीं होता, अच्छा आगे मैं सुन रहा हूँ ठीक, यहाँ पे जीवन खत्म यहाँ से शुरू होता है, ओके। तो मैंने कहा फिर आगे, तो बोलते ये रहा मेरा कॉलेज, ये इंदौर में कॉलेज है, 15 लाख का प्लेसमेंट लगेगा, ना मिले तो पूरा पैसा वापस, आप एक बार एडमिशन लेके देखो, अब फर्स्ट ईयर और क्लैट ठीक है 10 मार्क्स आ जाएंगे, मैं शांत हूँ तो भी दे देंगे एडमिशन, उसी लगा 10 भी नहीं आ रहे मेरे ठीक है, अभी की बता रहे हो मैं, अभी 2 दिन 1 दिन पहले जो मेरे साथ में, नॉट माई क्लैट अभी, एंड पूरा ना तो कन्विंस कर, ये रहा मेरा नंबर, फीस की चिंता मत करो, 15 लाख है, EMI ले लेना, जो लेना है तो लोन ले लेना, इतना कन्विंसिंग, और वो सबके साथ ही कर रहा था, मैंने सुना इधर आओ कार्ड दूंगा अपना, मैंने उसको कार्ड दिया, और अच्छा उसने अच्छा आप अच्छे से आए हो, हाँ हाँ मैं तो वहीं से हूँ, बस वो चला गया, तो ये क्रेजी स्टफ, मतलब ना आई कैन से ये मेरे साथ हुआ था, जब 15 में ना मैं बाहर आ रहा था, पेपर खराब चला गया था, मॉडरेट सा होता ही, 15 का पेपर टफ ही था,
तो मैंने डरा हुआ था, तो मेरे को जो भी मिल रहा था एक से वर्ल्ड इज हेयर वेयर आर यू, तो मैंने उसका पर्चा भी ले लिया। एक ना JLU करके कॉलेज है उसका भी पर्चा ले लिया, मैंने कहा एनी टाइम साइन भी कर रहा है, सबके हम पर्चे लेता है, क्या पता नहीं क्या काम आने वाला है। तो डर हमें ना सही डिसीजन नहीं लेने देता। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ से आगे इमिडिएटली कुछ डिसीजन मत लेना कि भैया नहीं नहीं की लॉट खराब हो गया अब तो हम ड्रॉप ले लेते हैं। ले सकते हो ड्रॉप, कोई डिसीजन मत लेना। आगे 7 दिन नो डिसीजन, अच्छा गया खराब गया कोई डिसीजन मत लो, काम रहो, अपने इमोशंस को हैंडल होने दो, काम डाउन होना। सबने मेहनत किया, सब करते हैं बच्चे मेहनत, थोड़ा जब नॉर्मल हो जाओगे तब अपन डिसीजन लेंगे। 7 दिन के बाद या 18 से 25 कोई डिसीजन नहीं, कुछ बड़ा होने वाला भी नहीं है, काउंसलिंग आएगा उसमें पार्ट ले लेना, है ना, ऐसा ना वो भी छोड़ दो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो भैया खराब हो गया अब तो ड्रॉप, भैया बहुत खराब हो गया अब तो किसी से बात नहीं करूंगा, ये सब मत करना। बड़ी अभी अपडेट्स आएंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें होंगी, ये अगर अभी आपने छोड़ दिया तो गलती हो सकती है। चल यहाँ से एक और चीज़ है, अब ना जिन बच्चों को मान लीजिए नहीं आपको लगता है भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ, अभी भी बहुत सारे ऑप्शन बचे हैं गवर्नमेंट में। अगर हम देखें तो MSCET के फॉर्म बचे हैं भरना, BLET बचा हुआ है, CUET बचा हुआ है जिससे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिलेंगे, आपको अलीगढ़ सॉरी अलीगढ़ नहीं AIL मोहाली बचा है, PUCET बचा है, UALS चंडीगढ़ मिल जाएगा। अगर प्राइवेट की बात करें सिम्बोसिस पुणे बचा हुआ है, जिंदल बचा हुआ है, LSAT बचा हुआ है, निर्मा बचा हुआ है, NIS मुंबई बचा हुआ है, क्राइस्ट बचा हुआ है, इतने सारे ऑप्शन हैं। आपको IPU क्लैट के थ्रू मिल जाएगा, निर्मा क्लैट के थ्रू मिल जाएगा, ये सब ऑप्शन बचे हैं ना, डरो मत। ML नागपुर का एजुटेशन का कोर्स बचा हुआ है, 8,000 रैंक तक एडमिशन होता है उसमें, तो ये ऑप्शन खत्म नहीं हुए ये। तो आप कुछ 8-10 एग्जाम बचे हैं आराम से, और जर्नी अब शुरू होगी यहाँ से लेके मई जून तक, आपके लगातार हर महीने के एक एग्जाम है। आराम से 1-2 दिन का ब्रेक लो और वापस से लग जाओ प्रिपरेशन में। तो आप फ्रेशर अगर आप हो तो 101% ये मत सोचना कि ड्रॉप ले लो, नो ड्रॉप ड्रॉप लेना नहीं, क्लैट नहीं हो लिखेंगे बट आगे के एंट्रेंसेस भी लिखेंगे, लॉ एंट्रेंस भी लिखेंगे, MSCET भी देंगे, स्लेट भी देंगे, सीखेंगे और जाकर क्लैट लिखेंगे। ड्रॉपर है या जो ड्रॉपर है ना सही में ड्रॉपर नहीं है, 6 महीने में ड्रॉपर बन गए, 1 साल लगता है कम से कम ड्रॉपर होने ड्रॉपर कहलाने में। आप अब भी क्लैट दिया जून में, 2 महीने निकल गए उस कि भैया आप हुआ नहीं, ये नहीं हुआ, अगस्त में शुरू किया, सितंबर अक्टूबर नवंबर पेपर आ गया, एक रीजन ये भी है कट ऑफ जाने का, आप प्रिपेयर नहीं थे, वेल प्रिपेयर नहीं थे, और जो कंसल्टेंट ने बॉम्ब फेंक दिया एकदम से, है ना। चल इसके आगे तो सिंपल सी बात है, अब जो एग्जाम बचा है स्लेट बचा है, 4 पार्ट में होता है, वैट होता है, इंटरव्यू होता है, CV होती है, यू नो साइको एग्जाम वैट इंटरव्यू और CV, क्राइस्ट में माइक्रो प्रेजेंटेशन होता है, तो थोड़े ना एग्जाम्स कॉम्प्लीकेटेड है। क्लैट की बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है बट वी वेट ऑन टॉक अबाउट द स्लेट, नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, और जो अवेलेबल उतने अच्छे नहीं है। MSCET इट टेक्स एफर्ट्स, यू नो कम सीट्स एंड ऑल, तो अब आपको बहुत माइंडफुली एफर्ट्स लगाना जिससे इनमें से कोई ना कोई कॉलेज निकाल लो, MSCET निकाल लो, स्लेट निकाल लो, क्राइस्ट निकाल लो, NIMS स्लेट निकाल लो, LSAT निकाल लो, निर्मा निकाल लो, 10 से 12 एग्जाम है इन्हीं के लिए, बिकॉज दिस कोई नहीं पढ़ाता है, कोई कोचिंग आपको गाइड नहीं करती। इसके लिए वी हैव क्रिएटेड सेपरेट बैच, CMP का मास्टर बैच, 2,000 रुपीज का बैच है, पूरे 6 महीने जो भी एग्जाम होने वाले सारे के लिए गाइड। यू सर भैया सिलेक्ट करना है, एलआईडी में ग्रुप आपको मेंटर रहेंगे, आई बी ओ मेंटर और 4 मेंटर और रहेंगे, CUET देना है, MSCET देना है, जो भी एग्जाम आपको देना है जस्ट ड्रॉप अ टैक्सी, भैया मुझे ये सारे एग्जाम देने का मन है, आप एग्जाम देंगे और हमको सजेस्ट करेंगे, 2,000 का मास्टर बैच है, यू टेक विल बी गाइडिंग पर्सनली। सिम्बोसिस में हर दूसरा बच्चा CMP का होता है, लास्ट ईयर 350-400 बच्चे हमने ओवरऑल भेजे थे सिम्बोसिस पुणे नोएडा समय मिला के, 50+ MSCET में भेजे, क्राइस्ट में 100+ बच्चे गए, LSAT के थ्रू 250+ बच्चों का सिलेक्शन होता जो आज अभी जिंदगी में पढ़ रहे हैं, निर्मा हर साल CMP के बच्चे जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो उस रेंज में थे, NIS मुंबई CMP के बच्चे जाते हैं। रियली वॉन्ट फ्रस्ट्रेट मत होइए अपनी जो भी रिजल्ट से, जस्ट फोकस नाउ और यू नो अब आगे प्रिपरेशन स्टार्ट करो। सो टू ज्वाइन द CMP का मास्टर बैच जो अभी बचा हो उसमें नीचे लिंक दिया हुआ है वो भर से दिया, तो मुझे व्हाट्सएप टेक्स्ट करिए, कॉल करिए, आई बी हैप्पी टू सी वे कॉल एंड सजेस्ट क्योंकि कैसे आप हम आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। बैच आज से या 21-22 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, आपको पहले टारगेट हमारा स्लेट क्राइस्ट सबके लिए क्योंकि स्लेट भी एक एग्जाम है इसको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस इन दिस वीडियो, यहाँ तक समझ आ गया। आप 3 चीज़ें, पहले तो भेज दो आप अपने स्कोर, भैया ये मेरा क्लैट का स्कोर रहा है, कौन सा कॉलेज मिल सकता है, उम्मीद है, मान लीजिए आपके कोई कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, भैया मेरे पास ST कैटेगरी का है मुझे ये मिल जाएगा, ड्रॉप अटैक्स मैं PDF देख के बता दूंगा आपको। तो हर बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है आगे भी भैया ड्रॉप लेना नहीं, देखो एक चीज़ समझो, आगे के जो भी डिसीजंस हैं बहुत माइंडफुली लेना, बहुत केयरफुली लेना, कॉलेज कौन सा जाना है, हर NLU नहीं है टॉप का, Tier 3 में बहुत सारे कॉलेज हैं, अच्छे रिग्रेट करते हैं जाके,
ऐसे रैंडम कॉलेज में चले जाना, इसी रैंडम प्राइवेट कॉलेज में चले जाना, भैया ये बाजू में माखनलाल कॉलेज में चले जाता, अरे बड़ी क्यों जाना है, कलम डाउन, जल्दबाजी मत करो, अच्छे कॉलेज जाओ, सिम्बोसिस पुणे, जिंदल, निरमा, इनमें जाके कभी ऐसा फील नहीं होगा कि यार हम किसी घटिया कॉलेज में, टीयर वन टीयर टू टीयर थ्री के बराबर फील होता है सिम्बोसिस पुणे में, तो किसी हाल में नहीं लगेगा कि आपको किसी टीयर टू कॉलेज से काम है, सेम प्लेसमेंट्स होते हैं वहाँ पे, बेटर हो जाते हैं कई बार, तो ये चीज़ समझो। तो ये चीज़ आगे का कोई भी डिसीजन, मान ली भैया मुझे ड्रॉप लेने का मन है, तो मैं कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूँ, प्लीज़ एक बार पूछ लेना फिर ज्वाइन करना, रैंडम कोचिंग मत जाना किसी में जाके, सिटी बाजू घर के बाजू में कोचिंग है नहीं, बात करना। और भैया कोचिंग तो बहुत फेमस है, हर फेमस कोचिंग के हर सिटी का सेंटर अच्छा नहीं है, मेन सेंटर अच्छे होते हैं, कुछ और सेंटर अच्छे होते हैं, पहले पूछ लेना। मैं क्या करूँगा, एक तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया, बहुत सारे बच्चे से बात करते रहे, सबका रिव्यू पता है वो बता दूंगा, और उस कोचिंग के बच्चे सबको कनेक्ट कर दूंगा। और पहली चीज़ भैया ये कॉलेज लूँ ना लूँ, ये फॉर्म भरूँ ना भरूँ, तो दूसरा जो भी फॉर्म्स आपको आगे भरने हैं प्लीज़ ड्रॉप अटेक्स ऑन व्हाट्सएप, विल डिस्कस कौन से फॉर्म आपको भरने चाहिए कौन से नहीं भरने चाहिए, आई टेल यू। तीसरा पैसा वेस्ट मत करना फालतू घर वालों का। तीसरा भैया ये दो चीज़ होगी, भैया मुझे ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मेरा छुट्टी का ड्रॉप, बिकॉज ड्रॉप इज़ नॉट अ फन, भैया नहीं हो तो ड्रॉप ले लूँगा, ये ड्रॉप इज़ नॉट अ फन, प्लीज़ अंडरस्टैंड। ड्रॉप ले सकते हो, मैंने भी लिया, हज़ारों बच्चे लेते हैं, बट क्लैट कितना अनसर्टेन होता जा रहा है, ऑल्सो टेकिंग अ ड्रॉप इज नॉट अ गारंटी ऑफ अ सिलेक्शन, है ना। तो माइंडफुली एकदम आगे जो भी एग्जाम है आराम से, तो प्लीज डिस्कस करके लेना, कोई भी डिसीजन एकदम से लेना नहीं, मत लेना आराम से। और कोई बच्चा अगर काउंसलिंग ग्रुप का पार्ट नहीं है, क्योंकि सारी कन्वर्सेशन मैं भी जो क्वेरीज लूंगा वो काउंसलिंग ग्रुप में ले रहा हूँ, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का नीचे लिंक है, व्हाट्सएप ज्वाइन करने के लिए आप मुझे डीएम करोगे। आप भैया मुझे तीन एग्जाम लिखने हैं, एमएससीटी लिखना है भैया, मुझे स्लेट लिखना है, और मुझे क्राइस का लिखना है, मैं कैसे क्या करूँ, एक तो पहले मुझे व्हाट्सएप करना, तो इनके सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप हैं और व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं इनको ऐड कर दूँगा, फ्री ग्रुप सबके लिए अवेलेबल है, वो गाइडेंस के लिए पेड बैचेस हैं, क्योंकि सबको गाइड करना मुश्किल नहीं है, तो फ्री सबको मैं ग्रुप लिंक दे दूँगा, वो ज्वाइन कर लेना उस, एक तो अच्छी बात है, 100 200 बच्चे, 1000 बच्चे जो सबसे, देखो एमएससीडी जो बच्चे देंगे सबसे ज़्यादा बच्चे सीएमपी के होते हैं, तो वो ग्रुप आपको मिल गया, वहाँ बात कर लेना स्लेट के अलग सब स्लेट। एक और चीज़ है, एमएससीडी ग्रुप में जाओगे भैया प्रीवियस पेपर सब है अवेलेबल होगा फाइल सेक्शन में, 3 साल से ग्रुप है, स्लेट में भैया सब सीवी भी सब ऊपर अवेलेबल है फाइल सेक्शन में, सब चेक कर सकते हो, समझ गए। ऐसे करके आप तैयारी करो अच्छी से, तब जाके। और भैया मुझे 24 का क्लैट लिखना है, बाकी दे रहा हूँ, मैं 24 भी लिखूंगा, मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना, 24 के लिए सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप है, मार्ग न्यूज़पेपर, मार्ग डेस्टी आईस, डेली एमआईटी, जो सीएमपी एमआईटी से आपके क्लैट में इतने सारे क्वेश्चन आए, पिछले साल 5 आए थे, उससे पहले भी आए थे, साल भी इतने टफ में भी तो भी 4 में से 5 टॉपिक 5 में से 4 टॉपिक तो है, ये सारी चीज़ें मार्क पी डी एफ हम सी एम पी के व्हाट्सएप ग्रुप सब फ्री है, ग्रुप आराम से ज्वाइन करो, डेली के मार्क न्यूज़ पेपर आते हैं, 24 लिख रहे हैं क्लैट का एग्जाम, जस्ट ड्रॉप एक साल गाइड, यहाँ तक क्लियर है। और कुछ क्वेरी हो माई नंबर ऑल्सो, अब तो मैं दिन में कॉल ही लेता हूँ, क्योंकि पहले क्या होता था जैसे क्लैट था ना, तो सबके मार्क्स को एनालाइज करने होते थे, सबके यू नो मेटल बनाना पड़ता था, एमआईटी मार्क करने, बहुत सारा कुछ, आई एम फ्री नाउ कुछ दिन के लिए, फिर तो आप सिलेक्ट में बिजी हो जाएंगे, अभी एक हफ्ते सुबह 8 बजे ऑब्वियसली 8 o'clock का एक वीक माई मेकअप एट 5 बट ठीक है, आई डोंट अलाउ माई 3 hours टाइम टू एनी वन, है ना, बहुत बट लगा मैं अपने टाइम को लेकर, और रात के 12 1 तक आई स्लीप फॉर 5 6 आवर, तो सुबह मॉर्निंग 1 से लेके रात के 11 तक कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हो, टेक्स्ट तो कभी भी ड्रॉप कर सकते हो, रात में भी कर सकते हो, आई ट्राई टू अप्लाई कभी भी लगे, मैं बस अभी इस वीडियो बनाने के लिए मैंने आपको फ्लाइट मोड डाला है, कॉल बचते रहते हैं अनटाइम, और एक कॉल में 1 मिनट लगता है 2 मिनट लगता है, तो दिन के मैंने 2 2 3 कल मैंने 350 कॉल किया था, 350 कॉल या फिर लगा तो बैठ जाता हूँ जैसा आंसर, तो कुछ क्योंकि इस पॉइंट पे ना कोई आपका हेल्प नहीं करेगा, ये काम है कोचिंगों का, कोचिंग को समझाना चाहिए कि सर कि नहीं हुआ करें तो कोई बात नहीं है, ड्रॉप ले लो, कोचिंग ज्वाइन कर लो, इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, है ना, किसी के बिजनेस का पार्ट नहीं बनना है किसी का, है ना, ये चीज़ है। और जब आपने एक चीज़ देख ली ना, जब आप क्लैट दे के बाहर आ रहे हो तो हर कोई आपको ना प्रमोशन कर रहा है, ये दे रहा है, मतलब कोचिंग ले लो, ये ले लो, मतलब आप कॉलेज ज्वाइन कर लो, एंड ऑल दुनिया का प्रोडक्ट हो सकता हो, अपने लिए प्रोडक्ट मत बनना, जस्ट बी वेरी क्लियरली क्या आपके साथ हो रहा है, कैसी चीज़ें हमें करनी है, बहुत माइंडफुल डिसीजन लेना, और रैंडम, और क्योंकि देखो यार एनुअली हो जा रहा है अच्छी बात है, फीस 10 लाख 12 लाख 15 लाख होगी, प्राइवेट कॉलेज जाओगे आपकी फीस 25 लाख 30 लाख तक भी जाएगी, बहुत अच्छे से डिसीजन लेना। और पेरेंट्स से बहुत सारे पेरेंट्स भी कंसर्न होते हैं, तो मैं पेरेंट्स से भी रेगुलर बात करता हूँ, इफ यू थिंक कि भैया आपको मेरे पेरेंट्स से बात करनी है, मैं बात कर लूँगा। और अभी ना जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, मान लीजिए आपको कोई इंटरव्यू मिलने वाला है, एक चीज़ समझो, तो आप लोग से दिक्कत हो रही है, 6 महीने करोगे क्या, 6 महीने आपके पास हैं, क्या करोगे आप 6 महीने, चिल नहीं कर सकते, कुछ काम करना,
मान लीजिए आपकी रैंक, भैया मेरे सब किसी इस वीडियो को देखने वाले किसी भी बच्चे का अगर स्कोर 70 से ऊपर है, 65 से ऊपर है, हाँ 65, ये 60 यार, 65 से ऊपर मान लो आप किसी के नहीं जा रहे हो, 65 से ऊपर वाला कोई वजह कहीं ना किसी किसी के नहीं जा रहा है, हमारे कट ऑफ के हिसाब से रियलिटी यही होने वाली है। आप मुझे भी टेक्स्ट करना व्हाट्सएप पे, मैं आपको ना अभी से एक लॉ स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम में ग्रुप में ऐड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। क्यों कर दूंगा, 6 महीने ना आप सेमिनार कर सकते हो, कुछ वेबिनार अटेंड कर सकते हो, सर्च पेपर के बारे में सीख सकते हो, मूटिंग के बारे में सीख सकते हो, आपको आपके तो ये अभी हम आपको नॉर्मल ग्रुप में ऐड कर देंगे। जैसे ही क्लेट का रिजल्ट आया भैया मुझे तो नाल साल मिल गया, आप मुझे टेक्स्ट करेंगे मैं आपको नाल साल, तो आपके जो भी बैच वाले बच्चे सबसे अपने सेम भी बैच में ही सारे सब मिल जाएंगे वहाँ पे, व्हाट्सएप ग्रुप के बच्चे मिल जाएंगे, नॉर्मल ग्रुप से मिल जाएंगे, उन सबको नाल साल ग्रुप में रख देंगे, और वहाँ पे 4 आपके सीनियर अलॉट करेंगे जो आपको कॉलेज के लिए गाइड कर देंगे। ये तो जनरल क्वेरी, कॉलेज की क्वेरी कौन आंसर करेगा, बस वही कर सकते हैं जो कॉलेज में है। तो ऐसे करके विल बी गाइडिंग यू फर्दर आगे के, यू नो ये कुछ मैंने चीजें बताई। और 1 तारीख 1 जनवरी से हम लॉ स्कूल लॉ, हम जैसे क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम का पार्ट है ना, नीचे मैं लिंक दे दूंगा लॉ स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम का टेलीग्राम ग्रुप। आपका बैच कौन सा कल आएगा, 28 वाला, 23 से लेकर 28 का बैच, उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा, सारे अपडेट्स वहीं आते हैं। और 1 जनवरी को तो हम बैच भी लॉन्च कर रहे हैं, तो लॉ स्कूल में भी ना होता क्या, देखो अब हम 60,000 बच्चों की रेस में थे, हमने एनएलयू क्लियर कर लिया, हमें 2,000 में आके बाकी को ने पीछे छोड़ दिया। एनएलयूज में आप चाहते हो या किसी प्राइवेट, हम सबको गाइड करते लॉ स्कूल में, तो हम लॉ स्कूल मेंटरशिप बना हमने बनाई इसलिए कि एनएलयू के फर्स्ट ईयर को कोई कुछ नहीं मानता, बहुत क्वेरीज होती हैं, तो उन सबको आंसर करने के लिए आपके लिए मूड्स के रिसर्च सबके लिए सेपरेट बैच हमने बना रखा है, विल बी गाइडिंग फॉर दैट वे। तो यहाँ तक ये वीडियो था, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड शेयर विद एवरीवन, ऑल्सो कुछ भी क्वेरीज आपको नीचे कमेंट करिए, विल बी गाइडिंग फॉर दैट। ओके ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, शफा खैर, हाँ शफा खैर ही होता है, बाय बाय, टेक केयर, कुछ भी लगे मेरा नंबर नीचे दिया है व्हाट्सएप पे, कॉल कर लेना 8458 9562, ऑल द बेस्ट।